हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारा 69th बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है। 15 से हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। सितंबर में एग्ज़ाम संभावित हैं और हर बार बीपीएससी विद्यापीठ अपनी तरफ से बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन करता है। इस बार भी बीपीएससी विद्यापीठ द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जिसमें 16 तारीख से टेस्ट स्टार्ट हुआ है और प्रति संडे को यह टेस्ट होगा। एक टेस्ट हो चुका है और प्रति संडे को टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइमिंग 10 से 12 और फिर डिस्कशन 12 से 2, क्योंकि विदाउट डिस्कशन टेस्ट का कोई फायदा नहीं होता है। और 10 टेस्ट का सीरीज दिया गया है, जिसमें से एक टेस्ट हो चुके हैं, बाकी के 9 टेस्ट शेड्यूल्ड हैं। और पहला टेस्ट का कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने वीडियो में जारी कर दिया था। हालांकि क्षमा करें, वो वीडियो सही नहीं बन सका, वो क्लासरूम में कुछ साउंड का प्रॉब्लम था तो कुछ प्रॉब्लम हुआ। हालांकि बहुत सारे बच्चों को लाभ भी मिला और बहुत सारे बच्चों का यह भी कहना है, जो हमारे बच्चे जॉब में हैं या जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, उनका डिमांड था कि सर कुछ प्रमुख प्रमुख प्रश्न का जो इस बार के टेस्ट में रहा आप एनालाइज कराएं, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारा बने। ध्यान रखें कि टेस्ट देने के बाद जब तक आपके पास क्वेश्चन का एनालिसिस प्रॉपर वे में उपलब्ध नहीं होता बच्चा लोग, जब तक टेस्ट का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। और हर बार बीपीएससी विद्यापीठ द्वारा अपनी तरफ से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता रहा है, इस बार भी हो रहा है, आगे भी होगा। और डिस्कशन से बच्चों को काफ़ी फायदा मिलता है और बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली टेस्ट और डिस्कशन से ही एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि बच्चे समय समय पर बताते रहते हैं। तो चलिए, टेस्ट 1 का बहुत सारा क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया गया था और कुछ मेजर क्वेश्चंस और हैं जिसका मैं आज डिस्कशन करा देता हूं। हालांकि मैं क्रॉस क्वेश्चन को पढ़ता हूं अच्छे ढंग से, डिजिटल बोर्ड का अभाव है, अभी ट्रेडिशनली पढ़ाई ही है, परंपरागत पढ़ाई है, लेकिन फिर भी आप निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा आपको। प्रश्न को आप सुन के बहुत सारे तर्क को समझ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या हैं। तो भारत के महान्यायवादी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, और आप सभी जानते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी है यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार या सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार है, और इसके संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनमें निम्नांकित में कौन सही है। तो पहला है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्हित हो। पहला ऑप्शन कहता है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य हो। ये सही है, हमारा संविधान लिखता है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता या अर्हता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो ये सही है पहला ऑप्शन। और दूसरा है कि महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ये गलत है, दूसरा गलत है, इसीलिए कि ये कह रहा है कि महान्यायवादी को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को। नहीं, महान्यायवादी का पद धारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए, ये सही है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं है, क्योंकि अपना संविधान सीधा लिखता है कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल पोजेज हिज पोस्ट ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की कृपा हो, अपने पद को धारण करेगा।
और दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसको हटाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा है, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा केवल ए, यानी केवल पहला ऑप्शन सही है। इसी तरह का अगला प्रश्न है एक प्रमुख, मैं प्रमुख प्रश्न को डिस्कशन करा देता हूँ जो काफी लाभकारी होगा आपके लिए। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, एक विधान परिषद में उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। और दूसरा है, एक राज्य के विधान परिषद में कम से कम 60 सदस्य अवश्य होने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि आप सभी जानते हैं कि राज्य की जो विधायिका होती है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, उसमें दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। अब दोनों की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, जैसा कि मैंने वीडियो में भी जारी कर दिया है। मैंने करीब 125 से ऊपर वीडियो मैंने अभी तक जारी किया है, सभी उपयोगी हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और आप पढ़ेंगे कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500, यानी मैक्सिमम मेंबर 500 और मिनिमम 60, और विधान परिषद का मैक्सिमम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अनधिक का मतलब अधिक नहीं। तो अधिकतम सदस्य संख्या विधान परिषद की उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी, उससे कम ही होगा, या अधिकतम 1/3 होगा, और न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी, ऐसा संविधान कहता है। और ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये सही है। और दूसरा कहता है कि एक राज्य के विधान परिषद में कम से कम 60 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये गलत है। 60 सदस्य कम से कम विधानसभा में, विधान परिषद में 40 सदस्य। तो दूसरा वाला कथन गलत है, पहला वाला सही है, इसलिए इसका भी आंसर यही होगा, केवल 1। इसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भूगोल से संबंधित है और ऋतु प्रवास से संबंधित क्वेश्चन है। ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब होता है कि कुछ खास जनजाति भारत में रहते हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश वगैरह में, जिसमें बकरवाल हैं, गद्दी हैं, वे ऋतु प्रवास करते हैं, ऋतु का स्थान अपना के अनुसार अपना स्थान बदलते हैं। तो उसी के संदर्भ में यह प्रश्न है, और प्रश्न कहता है कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, ए, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, नहीं, ये गलत है, फसल की कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगरों से गांव की ओर प्रवासन, नहीं, यह भी गलत है। और तीसरा है कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, ये सही है। नए चारागाह की खोज में जनजातीय लोग ऋतु के अनुसार अपने पशुधन के साथ, अकेले नहीं, अपने पशुधन के साथ विभिन्न जगहों पर जो जाते हैं, इसको ऋतु प्रवास कहा जाता है, ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। और खास करके हिमाचल प्रदेश के गद्दी, बकरवाल, ये सब क्या होते हैं कि गर्मी के महीना में चले जाते हैं पहाड़ी की ऊंचाई पर और ठंडक में घाटी में आ जाते हैं। ये भारत में ऋतु प्रवास का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका आंसर होगा सी, जिसका ऑप्शन है कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, ये सही है। इसके बाद बिहार से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा वाला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी का अनुपात या प्रतिशत कितना है। आप हर बार देखते हैं कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और जनगणना से रिलेटेड तो 2-3 प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो 10 टेस्ट में इतने सारे डेटा को डिस्कशन कर लिया जाएगा ताकि मैक्सिमम सवाल आपसे बने। और यह प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी का अनुपात या प्रतिशत कितना है। इसका आंसर होगा 11.3%, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी में शहरी आबादी या नगरीय आबादी का प्रतिशत 11.3 है, 11.3।
ये बिहार से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक भूगोल से संबंधित, और ये क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि देखिए हमारा जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। आप कहीं भी हैं, बिहार के किसी भी कोना में, इंडिया के किसी भी कोना में, आप टेस्ट में एडमिशन लें, आपके पास लिंक भेजा जाएगा, गूगल मीट पर हम पढ़ाते हैं, और आप घर बैठे आपका टाइम पर जैसे 10 से 12 टेस्ट होता है तो 10 बजे आपके मोबाइल पर क्वेश्चन चला जाएगा, आप सॉल्व करें और 12 बजे लिंक पर ज्वाइन करें। लाइव डिस्कशन होता है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उधर से सवाल पूछ सकते हैं, हम इधर से सवाल पूछते हैं, क्योंकि विदाउट डिस्कशन मेरा मानना है टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और एक क्वेश्चन से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेगा, और पुराना पढ़ा लिखा चीज सबका रिवीजन हो जाएगा। और ये जो केवल हम लोग टेस्ट देते हैं और आंसर मिला लेते हैं, मेरे ख्याल से उससे बहुत फायदा नहीं होता है, इसलिए डिस्कशन जरूरी है। और देखिए कि अगला जो प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, व्यापारिक पवन का उद्भव बिंदु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से बाहर है और पछुआ पवन का संक्रमण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। अब देखिए कि जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं कि धरातल पर जो अस्थायी पवने चलती हैं, तो धरातल पर अस्थायी पवन 3 हैं जो वर्ष भर चलती रहती है, जिनको सनातनी पवन कहते हैं, पूर्वा पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। अब पूर्वा पवन को ही व्यापारिक पवन कहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है कि व्यापारिक पवन का उद्भव बिंदु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से बाहर है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है जिसका प्रतिरूप ग्लोब है, तो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा है, सॉरी अक्षांश रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री से उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जगह को कहा जाता है बच्चा लोग उष्ण कटिबंध टोरिड जोन। क्यों कहा जाता है उष्ण कटिबंध, यानी उष्ण कटिबंध का यहाँ भी प्रश्न है, उष्ण कटिबंध का विस्तार कितना से कितना अक्षांश तक है, तो 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा, कुल 47 डिग्री पर विस्तृत 47 डिग्री विस्तार है उष्ण कटिबंध का। इसको उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ साल के 12 महीने गर्मी होती है, यानी इस क्षेत्र में ठंडक नहीं पड़ती है। क्यों भाई, तो कारण है कि सूर्य की किरणें इस बीच के किसी न किसी अक्षांश पर लंबवत होती ही होती है, तो यहाँ कभी ठंडक नहीं पड़ती, साल के 12 महीना उष्ण यानी गर्मी होती है, इसलिए उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए जैसे पूछ रहा है कि व्यापारिक पवन का उद्भव बिंदु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से बाहर है, तो पहले समझना पड़ेगा कि उष्ण कटिबंध क्या है। तो निश्चित रूप से उष्ण कटिबंध 23.5 से 23.5 डिग्री दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, कर्क से मकर, और पूर्वा पवन यानी व्यापारिक पवन का जो उद्भव होता है, आपने पढ़ा होगा कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्ध में, 30 से 35 डिग्री अक्षांश जिसको हम लोग अश्व अक्षांश भी कहते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा अश्व अक्षांश या घोड़े का अक्षांश या हॉर्स लेटिट्यूड, और यह उच्च दाब का क्षेत्र है, हाई प्रेशर का है ना, और यहीं से दोनों पवन की उत्पत्ति होती है। पूर्वा पवन की उत्पत्ति जो होती है यहीं से होती है, और पछुआ पवन की उत्पत्ति यहीं से होती है। पूर्वा पवन उत्पन्न होकर के भूमध्य रेखा की ओर आ जाती है, और पछुआ पवन जो है यह जैसा कि आप पढ़ते होंगे 60 से 65 डिग्री का जो उपध्रुवीय क्षेत्र है, उपध्रुवीय क्षेत्र जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, और 90 डिग्री 70 से 90 ध्रुवीय क्षेत्र माना गया है, ध्रुवीय क्षेत्र तो उपध्रुवीय क्षेत्र है। तो पूर्वा पवन, पहली बात याद रखें कि पूर्वा पवन और पछुआ पवन दोनों का जन्म एक ही जगह होता है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश या अश्व अक्षांश के पास। यहाँ भी हमारा बड़ा प्रश्न रहता है
और पूर्वा पवन यहाँ से जन्म लेकर भूमध्य रेखा की ओर आ जाता है या डोलड्रम के एरिया में आ जाता है और पांचवा पवन चला जाता है 7 से 65 डिग्री यानी उपध्रुवीय क्षेत्र। तो पहला जो ऑप्शन है कि व्यापारिक पवन जिसको पूर्वा पवन कहते हैं का उद्भव बिंदु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर है, सही है। उष्णकटिबंध का क्षेत्र 23.5 डिग्री तक न है, पूर्वा पवन का जन्म 30 से 35 डिग्री पर होता है तो उष्णकटिबंध से बाहर का एरिया है, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है क्योंकि यह कहता है कि व्यापारिक पवन का उद्भव बिंदु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर है, सही है। और दूसरा है कि पछुआ पवन का संक्रमण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, संक्रमण माने पहुंचना, ट्रांजिट होना, ये गलत है। पूर्वा पवन का संक्रमण उष्णकटिबंध में है, भूमध्य रेखा पर है, लेकिन पछुआ पवन का संक्रमण उपध्रुवीय क्षेत्र में है, भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंध में नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो कहता है कि पछुआ पवन का संक्रमण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये गलत हो गया क्योंकि पछुआ पवन का संक्रमण 7 से 65 डिग्री यानी उपध्रुवीय क्षेत्र में है। तो पहला सही है कि व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन का उद्भव बिंदु उष्णकटिबंध से बाहर है। अब दूसरा जो कहता है कि पछुआ पवन का संक्रमण भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंध में, ये गलत है। पूर्वा पवन का संक्रमण भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंध में जरूर है, लेकिन पछुआ पवन का 7 से 65। तो इस तरह से डिस्कशन जब आप करते हैं तब आपके एक प्रश्न पर कम से कम 10 प्रश्न बन जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और ये क्या हुआ कि आपने प्रश्न बना लिया, आंसर ले लिया, हो गया। मेरे ख्याल से इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे अच्छा आप घर में बैठ के सेट बनाए, वो भी कोई फायदेमंद नहीं होता है। एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन बहुत जरूरी होता है और इससे बेहतर रिवीजन का कोई माध्यम नहीं होता। और इसमें लिमिटेशन में आपको, अब ऐसा नहीं कि ऐसी चीज को पढ़ने में पूरा टाइम लगा दे, लिमिटेशन में हर चीज होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु घटिया किस्म की हो और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती हो, और 4 है इसकी कीमत घटती है। ऑप्शन में है केवल 1 तथा 4, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3, 4। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, कहता है कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। बहुत सारे वस्तु हैं जिसकी बाजार में ज़्यादा मांग होती है और कभी कभी मांग घट जाती है। तो कहता है कि अन्य बातें अगर समान हो, अर्थात तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक समान हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वह कौन सा कंडीशन है जिसमें वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ जाती है। तो पहला कहता है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, कीमत में वृद्धि हो। तो स्थानापन्न वस्तु का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न को अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूट। जब तक अंग्रेजी चल नहीं समझेगा वैसे भी कुछ ये बहुत दिक्कत करेगा इकोनॉमिक्स से। और तो स्थानापन्न वस्तु में सब्स्टिट्यूट माने एक की जगह दूसरे का प्रयोग करते हैं जब उनको स्थानापन्न कहते हैं। जैसे चावल का स्थानापन्न है गेहूँ, चावल का स्थानापन्न है गेहूँ, चीनी का स्थानापन्न है गुड़, चाय का स्थानापन्न है कॉफी। तो जब एक की जगह दूसरे वस्तु का प्रयोग करें जो विकल्प होता है उसको स्थानापन्न कहते हैं। तो पूरक वस्तु उन्हें स्थानापन्न उन्हें कहा जाता है जिनमें एक की जगह दूसरे का उपयोग किया जाए, सब्स्टिट्यूट होते हैं ये। तो अब देखिए अगर चावल के मूल्य में वृद्धि होती है तो गेहूं की मांग बढ़ जाती है, स्थानापन्न में दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि चावल के मूल्य में जब वृद्धि होगी तो चावल का मांग घट जाएगा, तो लोग ऑप्शन चाहिए ना, तो चावल का ऑप्शन क्या है गेहूं। तो स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है कि जब एक के मांग में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि होती है, प्राइस में वृद्धि होता है,
तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। अब जैसे चीनी का मूल्य अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग चीनी का डिमांड घटा देगा, उसके जरिए किसका डिमांड बढ़ा देगा, गुड़ का डिमांड बढ़ा देगा। तो पूरक वस्त्र स्थानापन्न में क्या होता है, ये निकट प्रतियोगी होते हैं और एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन होता है। तो अगर स्थानापन्न वस्तु में एक का मूल्य बढ़ेगा तो दूसरे का मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों को एक साथ लेके चलना है। चावल का मूल्य बढ़ेगा अकेले तो चावल का मांग तो घट जाएगा, लेकिन उसका जो स्थानापन्न है गेहूँ, उसका मांग बढ़ जाएगा। तो पहला कहता है कि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, सही बात है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में जहाँ वृद्धि हुआ तो उसका जो विकल्प है उसके मांग में वृद्धि हो जाएगी, तो ये मांग बढ़ने का कारण है। दूसरा कहता है कि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। अब देखिए कि पूरक वस्तु किसको कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब पूरक वस्तु का मतलब जो एक के बिना दूसरा अधूरा हो, दोनों का संयुक्त मांग हो। जिसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल ले लें कार और पेट्रोल। तो ये देखिए स्थानापन्न में क्या होता है, एक का विकल्प दूसरा होता है। अब पूरक का मतलब कि एक के बिना दूसरा पूरा नहीं होता है, यानी दोनों एक साथ आएगा तभी पूरा होगा। इसलिए जब तक ये समझ में नहीं आती है बच्चों को तो क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि आप जब प्रश्न आचा हमसे बीपीएससी हमारा बहुत स्टैंडर्ड रूप ले लिया है, तो अगर आप स्टैंडर्ड रूप में क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो फिर आप ढाक के तीन पर तो वहीं रह जाएंगे। इसलिए सीरियसली अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिस्कशन के साथ ही टेस्ट दें, ताकि आपका पढ़ा लिखा चीज डिवीजन में आ जाए, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर देखिए कहता है कि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तो पूरक वस्तु जैसे कार की कीमत में जहाँ वृद्धि होगी तो पेट्रोल का डिमांड गिर जाएगा, क्योंकि जब लोग कारें नहीं खरीदेगा तो पेट्रोल का ही खरीदेगा। जहाँ कार का मूल्य में वृद्धि हुआ तो कार का डिमांड तो घटवे करेगा, जहाँ कार लोग कम खरीदेगा तो पेट्रोल लोग कम खरीदेगा। तो दोनों में अंतर है कि जब स्थानापन्न में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है, और पूरक में एक के मांग में मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे का मांग घट जाता है। तो पहला वाला सही है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग बढ़ जाती है, और दूसरा वाला गलत है कि इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग घट जाती है। और चौथा है कि इसकी कीमत, तीसरा है कि वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। याद रखिए घटिया किस्म के वस्तु को इकोनॉमिक्स में गिफन गुड्स, यहाँ भी एक सवाल है कि गिफन गुड्स क्या है। तो घटिया वस्तु जिसका बहुत कम लोग उपयोग करता है। तो ये कहता है कि वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। नो, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वो वैसे वस्तु का डिमांड बढ़ाएगा जिसका वो ज़्यादा यूज करता है। घटिया वस्तु का ज़्यादा यूज नहीं होता है तो कितना आपका इनकम बढ़ जाए, घटिया वस्तु का डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और चौथा कहता है कि वस्तु की कीमत घटती हो, तो कह रहा है कि वह कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें वस्तु का बाजार मांग बढ़ जाता है। तो पहला कंडीशन है इसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, स्थानापन्न वस्तु का कीमत में वृद्धि होने पर डिमांड बढ़ जाता है। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, ये गलत होगा क्योंकि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर डिमांड घट जाता है। और चौथा वाला, तीसरा वाला भी गलत है, घटिया वस्तु का कितना आपका इनकम बढ़ जाएगा तो घटिया वस्तु का डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और चौथा सही है कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो केवल एक और चार इसका आंसर होगा, यानी जब स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो डिमांड बढ़ जाएगा, और जब सिंगल किसी वस्तु की कीमत में कमी हो तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का तलखी वाला क्वेश्चन सब होता है, जिसके लिए डिस्कशन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित प्रश्न है इकोनॉमिक्स से ही, विमुद्रीकरण, डिमोनिटाइजेशन। आप जानते हैं कि हाल के समय में डिमोनिटाइजेशन काफ़ी चर्चित रही है, और हमारी केंद्र की सरकार लगातार दो बार कुछ ही समय के अंतराल पर, सबसे पहली बार 500 नोट और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण किया गया था, जिसको हम लोग व्यवहार में नोटबंदी कहते हैं। नोटबंदी शब्द सही नहीं है, ये हमेशा याद रखें, नोटबंदी होती ही नहीं है कभी,
नोट बंद हो गया नहीं। विमुद्रीकरण क्या होता है कि जब किसी देश की सरकार द्वारा कुछ खास प्रकार के मुद्रा को या तो चलन से बाहर कर दिया जाता है या उसका रूप बदल दिया जाता है, इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। इस बार दोनों हुआ कि 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया और 500 के नोट को चलन से बाहर नहीं किया गया, उसका केवल रूप बदला गया। अभी फिलहाल में घोषणा की गई कि 2000 के नोट को भी डिमोनिटाइज कर दिया जाएगा, वो भी चलन से बाहर हो जाएगा। ये काफ़ी चर्चित है, तो प्रश्न आना तय है कि आखिर विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है या क्या प्रभाव होता है। तो वही प्रश्न है कि विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं होता है। तो पहला है काला धन को नष्ट करना। काला धन को नष्ट करना इसका उद्देश्य होता है। जब ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट विमुद्रीकरण करती है। जाली नोट को चलन से बंद करना, जब इकोनॉमी में जाली नोट डुप्लीकेट नोट बहुत सारा चल जाता है तो सरकार को मजबूरी में डिमोनिटाइजेशन करना पड़ता है। और अभी के हमारे इंडिया में ब्लैक मनी भी बहुत हो गया था और जाली नोट भी काफ़ी चल गया था, तो जैसे ही डिमोनिटाइजेशन करेंगे तो ब्लैक मनी भी खत्म होगा, जो बड़े बड़े मूल्य अधिक मूल्य के नोट में रखे जाते हैं, और जाली नोट अपने से, चूँकि पुराना नोट जब चलन से बाहर हो गया तो जाली भी खत्म हो गया। तो ये दोनों एम है। और तीसरा है RBI के मुद्रा स्टॉक को बढ़ाना। नहीं, RBI का मुद्रा स्टॉक तो घट जाएगा ना। जैसे अभी एग्जांपल लीजिए, कभी 2000 का नोट हमारे मार्केट में 500 करोड़ का 2000 का नोट है और सरकार ने डिमोनिटाइजेशन की घोषणा की तो अचानक RBI के स्टॉक में 500 करोड़ के नोट की 2000 के नोट की कमी होगी कि नहीं कमी होगी। तो जब डिमोनिटाइजेशन होता है तो काला धन नष्ट होता है, जो डुप्लीकेट मनी है वो बाजार से हट जाता है और RBI के स्टॉक में कमी होती है, ना कि वृद्धि। तो ये लिख रहा है कि RBI के मुद्रा स्टॉक को बढ़ाना नहीं गलत है, केवल पहला और दूसरा इसका आंसर होगा ए और बी, यानी एक से अधिक ए और बी। इसके बाद एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, विज्ञान से संबंधित है कि किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो हम पाएंगे कि, हमने वीडियो भी इस पर जारी किया है, मैक्सिमम पर वीडियो जारी कर दिया गया है कि देखिए कि नेचर ने बड़ी यूनिक साम्यता रखी है। जड़ की रचना और पत्ती में सीधा विन्यास है ना। और देखिए कि जड़ अगर मूसला जड़ है, मूसला जड़ में रेडिकल एक मुख्य जड़ बनाता है और इसी से प्राइमरी और सेकेंडरी रूट निकलता है, तो जो मूसला जड़ वाला पौधा है उसकी पत्ती का जो शिरा विन्यास है वह जाली जैसा होता है, जाली जैसा होता है, जाली जैसा, जिसको कहते हैं जाली का रूप शिरा विन्यास। और जो अब किसी किसी कुछ कुछ पौधा ऐसा है जिसका रेडिकल विभिन्न रेशा के रूप में फाइबर के रूप में बन जाता है और इसको कहते हैं फाइबरस रूट, इसको कहते हैं टैप रूट यानी मूसला जड़। तो जो मूसला जड़ वाला पादप है उसके पत्ती का सिरा विन्यास जाली का रूप होता है, जाली जैसा है ना। और जिसका रूट जो है वो फाइबरस होता है, रेशेदार होता है, उसके पत्ती का सिरा विन्यास समांतर, जैसे मुख्य सिरा है इसी के समांतर अन्य सिराएं चलती हैं। जैसे घास का पौधा जब देखिएगा तो घास का जड़ उखाड़िएगा तो घास का जड़ फाइबरस होता है, तो निश्चित रूप से उसके पत्ती में सिरा विन्यास समांतर पैरेलल होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आप, और दो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसीलिए डिस्कशन बहुत जरूरी है। नहीं भी पढ़े हैं तो भी हम डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आपको याद हो गया होगा कि जो टैप रूट वाला प्लांट है, मूसला जड़ वाला प्लांट है, उसके पत्ती में सिरा विन्यास भेद का स्ट्रक्चर जाली का रूप होता है, और जो फाइबरस रूट वाला प्लांट है उसके पत्ती का सिरा विन्यास पैरेलल समांतर होता है। तो क्वेश्चन है कि किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो हम पाएंगे कि इसमें ए मूसला जड़, नहीं मूसला जड़ तो होगा ही नहीं, बी में भी है मूसला जड़ खत्म, सी में है रेशेदार जड़ और समांतर सिरा विन्यास। तो रेशेदार जड़ घास में होगा ही और समांतर सिरा विन्यास आंसर हो जाएगा सी। यानी याद होना चाहिए आपको
कि मूसला जड़ वाला पौधा जो प्लांट है उसके पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है और जो रेशेदार जड़ वाला पौधा है उसके पत्ती में समांतर शिरा विन्यास होता है। इसी प्रकार का एक और प्रमुख प्रश्न है विज्ञान का, मानवों में जनन की सही घटनाओं का सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन है युग्मक बनना, गैमेट फॉर्मेशन, युग्मनज, जायगोट, निषेचन, फर्टिलाइजेशन और भ्रूण इम्ब्रियो, तो इसी का क्रम मिलाना है। तो हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है, मानव जनन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और यही जायगोट इम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है। तो सही क्रम होगा गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मक का बनना, इसके बाद है फर्टिलाइजेशन, निषेचन होना, इसके बाद है जायगोट का निर्माण जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज, इसके बाद है भ्रूण यानी इम्ब्रियो, यही भ्रूण आगे चल के बच्चा के रूप में डेवलप होता है। इसका सही क्रम हो जाएगा आपको युग्मक बनना बी ऑप्शन में है, युग्मक बनना, निषेचन होना, युग्मनज बनना और भ्रूण बनना, तो चारों का क्रम जैसे घुमा दे अगर आपके पास क्रम पता है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। इसीलिए पुराना पढ़ा लिखा चीज भी डिस्कशन में याद हो जाता है। इसके बाद है एक वास्तविक फल ट्रू फ्रूट निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट होता है, सिंपली समझे इसका सिंपल आंसर है, अगर किसी फ्रूट का डेवलपमेंट थैलेमस से होता है जिसको कहते हैं ओवरी अंडाशय, ओवरी से अगर मैच्योर ओवरी से अगर कोई फ्रूट डेवलप किया तो वह सत्य फल है, वास्तविक फल है, और ओवरी को छोड़कर अगर किसी अनदर ये फ्लावर के किसी भी अनदर भाग से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो गया तो वो फॉल्स फ्रूट है, वो कूट फल कहलाता है। जैसे सेब, नाशपाती, ये सब कूट फल है क्योंकि इसका विकास ओवरी से नहीं होता है। तो यही दो क्वेश्चन पूछता है कि सत्य फल ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं और कूट फल फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं। तो सिंपली याद रखिए कि जिस फल का विकास ओवरी से हो, मैच्योर ओवरी से हो, वो ट्रू फ्रूट है, और जिसका विकास मैच्योर ओवरी को छोड़कर फ्लावर के किसी भी अनदर पार्ट से हो जाए उसे फॉल्स फ्रूट या कूट फल कहा जाता है। ये सब कॉमन क्वेश्चंस, एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं जो बराबर पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और विज्ञान का प्रश्न है कि जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है इस पर एक हल्की परत जम जाती है। देखिए आप सभी जानते हैं कोरोजन ऑफ मेटल, तो कोरोजन ऑफ मेटल जो है यानी धातु का संक्षारण, तो होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनमें नेचर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के गैस हैं, जलवाष्प हैं, ये सब उनसे रिएक्ट करके उसके गठन को ढीला कर देते हैं जिसको कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल, धातु का संक्षारण। और सबसे ज़्यादा कोरोजन लोहा का होता है, और लोहा के संपर्क में यदि ऑक्सीजन और जल आ गया तो लोहा का संक्षारण होगा। इसी तरह से तांबा के संदर्भ में क्या होता है कि तांबा के बर्तन को या टुकड़ा को जब लंबे समय तक हवा में खुला छोड़ देंगे है ना, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड ठीक है और कॉपर कार्बोनेट इन दोनों का यौगिक बनता है जो रंग में हरा होता है, इस दोनों को संयुक्त रूप से पेटिना भी कहा जाता है। ये जो हरा कलर होता है यह कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। तो वही प्रश्न पूछे हुए हैं कि जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, यह होता है ए कॉपर सल्फेट, नो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट, नो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड है और कॉपर कार्बोनेट है, या इसी को कभी कभी पेटिना के नाम से पूछ बैठता है। तो हरा परत जो होता है वह कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। इसी प्रकार का एक विज्ञान का सवाल है, दूर दृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है,
जिनको दूरदृष्टि दोष होता है। तो पहला है कि इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, पहला ही गलत है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का यूज होता है, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस या जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस या डाइवर कन्वर्जिंग लेंस का यूज होता है ना, उत्तल लेंस का। तो पहला का ये गलत, पहला ही गलत हो गया। दूसरा है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, सही बात है, दूर दृष्टि दोष में फोकल लेंथ बढ़ जाएगा लेंस का। तीसरा है निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, सही बात है। दूर दृष्टि दोष नाम जरूर है लेकिन इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है क्योंकि निकट के वस्तु का प्रतिबिंब इमेज रेटिना के पीछे बन जाता है। और चौथा ऑप्शन तो बीपीएससी के इस बार यही रहने की संभावना है, एक से अधिक में कोई नहीं, तो केवल पहला वाला गलत है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस नो उत्तल लेंस है ना। और इसके बाद बिहार से रिलेटेड कुछ प्रमुख प्रश्न जो करेंट वाले हैं जल्दी जल्दी देख लें, जिनमें एक प्रश्न है और भी आगे के हर डिस्कशन को ऐसे वीडियो जारी करके बताएंगे। और अगला है निम्न में सही की पहचान कीजिए, भारतीय मानक के अनुसार बिहार की गरीबी का औसत प्रतिशत 33.74% है, ये सही है। वैश्विक आयामी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में 52.5% गरीबी है, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है 33.74 और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार है 52.5, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग है, ये दोनों सही है। ये डेटा सब काफ़ी पूछे जाते हैं, याद रखें इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बिहार की औसत गरीबी एवरेज पॉवर्टी 33.74% और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिहार की औसत गरीबी 52.5%। दोनों सही है। इसके बाद है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन असत्य है, गलत है, ऐसा नया नया डेटा है, पूछेगा ही पूछेगा। पहला है बिहार राज्य में माध्यमिक कक्षाओं में ड्रॉप आउट दर 20.5%, सही बात है। ड्रॉप आउट दर का मतलब को हिंदी में छीजन जल कहते हैं, और जो बच्चे स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं उसी को ड्रॉप आउट रेट कहा जाता है। और पहला ऑप्शन है कि बिहार राज्य के माध्यमिक कक्षाओं में ड्रॉप आउट रेट 20.5% हो गया है, इंडिया में सबसे अधिक, और ये सही है और बिहार वासियों के लिए दुखद। दूसरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 12.5% है, ये सही है, राष्ट्रीय स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 12.5% है। और तीसरा है कि बिहार में 9वीं 10वीं 11वीं तथा 12वीं में स्कूल छोड़ने वालों में लड़कियों की संख्या अधिक है, ये गलत है, लड़की नहीं लड़कों की संख्या अधिक है। तो पहला और दूसरा सही है, याद हो गया होगा। बिहार का ड्रॉप आउट रेट एकदम नया डेटा है जो 69 BPSC में 99.9% संभावना है आने की। बिहार का ड्रॉप आउट रेट है 20.5% और इंडिया का होल इंडिया का ड्रॉप आउट रेट है 12.5%, ये दोनों डेटा काम करेगा। इसके बाद एक ऐसा ही सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह के तहत बिहार को किस प्रांत के साथ संयुक्त रूप से श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार दिया गया। हाल ही में मैंने इस पर वीडियो भी जारी किया था और आंध्र प्रदेश के साथ दिया गया था, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, निम्न में सही की पहचान कीजिए, प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है, ये सही है, प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बिहार में भी मगरमच्छ की गणना हुई और बड़ा संतोषजनक रिपोर्ट आया, तो प्रश्न आना ही आना है। इसी प्रकार के प्रश्न पर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाए तो आपका प्रश्न सॉल्व होगा, लेकिन विद डिस्कशन कॉन्सेप्ट हो आपका। तो पहला है कि प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है, सही है। दूसरा है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे संरक्षण के सतत प्रयासों से बिहार का गंडक नदी अति संकटग्रस्त घड़ियालों का महत्वपूर्ण अधिवास बन गई है, यह भी सही है। और तीसरा है कि घड़ियालों के जनसंख्या के मामले में गंडक नदी जहाँ पर घड़ियाल की संख्या 225 माने गणना की गई है का नाम चंबल के बाद दूसरे स्थान पर है,
सही बात है, भारत में सबसे अधिक एडिशन डेटा एकदम हाल में जारी हुआ है, भारत में सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी में है और दूसरे स्थान पर अपने बिहार का गंडक है। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं हर बार क्लासरूम में तो डिस्कशन करा ही देता हूँ डायरेक्टली बच्चों को, और जिन बच्चों का छूट जाता है उनके लिए मुख्य मुख्य प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करके डाल देते हैं वीडियो में पढ़ के बढ़िया से, ताकि बच्चे का पर्पज सॉल्व हो। और आप में से जो भी बच्चे चाहें जो BPSC के एस्पिरेंट वास्तव में हैं, देखिए दो तरह के एस्पिरेंट हैं, फेक है जिनको किसी तरह से एग्जाम देना है अब अपना जैसे जैसे करते हैं, और एक श्योर स्टूडेंट होते हैं सीरियस जिनको एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है PT, उनके लिए इस प्रकार का टेस्ट और डिस्कशन जरूरी है। आप में से जिस किसी भी बच्चे को अभी 9 टेस्ट बचे हुए हैं, टेस्ट में भाग लेना है। प्रति संडे को 10 से 12 बजे तक टेस्ट होता है, मेरा सेंटर है दानापुर में BPSC विद्यापीठ के नाम से, आप ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। 10 से 12 टेस्ट होता है, अब 12 से 2 तक डिस्कशन होता है, और फिर इसी प्रकार के टेस्ट डिस्कशन को लेकर उपस्थित होंगे। और हमारे टेस्ट से रिलेटेड डिटेल्स की जानकारी कम्युनिटी पोस्ट पर उपलब्ध है, आप सभी बच्चे उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होऊंगा। आप सीरियस बच्चों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अभी के माहौल में सभी उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, तब तक धन्यवाद।